जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो आप जरूर देखिए, अगर आप आपके बालों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से परेशान है तो आज की जो हमारी वीडियो का नुस्खा है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको जो नुस्खा हम बताएंगे, आपको इसको आप अगर इसको सप्ताह में एटलीस्ट 2 से 3 बार अपने बालों पर अप्लाई करते हैं नहाने के पहले, शैम्पू करने के पहले, और इसको आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके बालों के लिए किसी चमत्कारी तरीके से काम करेगा और आपके लिए बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चाहे आपके बाल दोस्तों टूट रहे हो, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, आपके बालों के बहुत जल्दी एज के पहले सफ़ेद हो रहे हो, या फिर आपका गंजेपन की प्रॉब्लम हो, या फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो आपके बालों में, तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है इन सब में आपके बालों को हेल्प करेगा। आपके बालों में अगर शाइन नहीं है तो उसको भी ठीक करेगा, और आपके बाल में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो उसको भी सॉल्व करेगा दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि इस नुस्खे के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नुस्खा पूरी तरीके से हर्बल है, पूरी तरीके से नेचुरल है, इसमें किसी तरीके की भी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं होता। तो दोस्तों इससे आपके बालों के लिए काफ़ी बेटर रहता है, क्योंकि काफ़ी बार आप केमिकल प्रोडक्टों का यूज़ करते हैं जिससे आपके जो बाल हैं वो काफ़ी बार बहुत ज़्यादा हार्म हो जाते हैं, आपके बाल टूटते हैं, कमज़ोर होते हैं, काफ़ी बार वो आपके जो बाल सफ़ेद होने का कारण बनता है, गंजेपन का। तो आप इस तरीके के प्रोडक्टों से बचिए दोस्तों, और अपने जो नेचुरल है पुराने जो हमारे देश के नुस्खे उनको अपनाएं। बात करते हैं इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारा लाल बटन है उसको दबा दीजिए, ये सब्सक्राइब करना पूरी तरीके से फ्री है दोस्तों। साथ में प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ आपको इस नुस्खे के लिए लेनी है वो आपको लेना है दही। आप इसमें 1 से 2 चम्मच दही ले लीजिए, इस तरीके से देखिए आपको दही लेना है। दोस्तों जो दही रहता है आप उसकी मात्रा अपने बालों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप दही ले लीजिए इस तरीके से। इसके साथ में जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो लेना है आपको शहद। आप शहद लीजिए इस तरीके से, और इसमें आप इस तरीके से 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। साथ में इसके दोस्तों जो आपको तीसरी चीज़ लेनी है जो इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है वो आपको लेना है बादाम का तेल। वो बादाम के तेल की आपको इसमें कुछ बूंदें डालनी है इस तरीके से, देखिए बादाम का तेल काफ़ी रिच होता है विटामिन ई में, जो हमारे बालों के लिए स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोस्तों, देखिए इस तरीके से आपको मिक्स करना है इन तीनों चीज़ों को। जब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हुआ दोस्तों तो आप इसको अपने जो बाल हैं उन पर नहाने के पहले एटलीस्ट 1.5 से 1 घंटे पहले आप इसको अपने बाल पे अप्लाई कीजिए, जड़ों तक अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके आप इसको छोड़ दीजिए, और 1.5 से 1 घंटे बाद आप अपने बालों को जिस तरीके से नॉर्मली धोते हैं शैम्पू करते हैं तो आप उसको शैम्पू कर लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी तरीके के हर्बल शैम्पू का यूज़ कीजिए, और दोस्तों उसके बाद अपने बालों को नॉर्मली ऐसे धोते हैं, और इस प्रोसेस को आप एटलीस्ट सप्ताह में 2 से 3 बार दोहराएं। और दोस्तों सिर्फ आप इसको 1 से 2 सप्ताह करेंगे तो ही आप देखेंगे ये आपके बालों के लिए काफ़ी हेल्दी साबित होगा, आपके बालों को इम्प्रूव करने के लिए। और साथ में अगर आपने इसको रेगुलरली यूज़ कर लिया तो आपके कई तरीके की बाल की जो प्रॉब्लम है उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन साबित होगा। तो दोस्तों प्लीज़ बताइए, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।